थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी TRU, अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इन TRU. इन 1970 TRU वॉज एस्टेब्लिश. द ओवरऑल रैंकिंग फॉर 2022 प्लेस TRU 57 विद इन द कैनेडा and 2,332 globally, while its social work ranking place is 419 in the world and acceptance rate at this university is 82%. डिस्कस करते हैं इसके अंडर ग्रेजुएट इंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में. HSC इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट हैं तो जो मिनिमम 73% मार्क्स हैं दे आर एलिजिबल टू अप्लाई, दे कैन सिक्योर द एडमिशन. IB इंटरनेशनल बार्गेट वाले 30 आपके पास होना चाहिए. ए लेवल्स में AA-B से लेकर BBB वाले एलिजिबल हो जाते हैं. पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो 4 years बैचलर्स की डिग्री आपके पास होना बहुत जरूरी है, देन यू आर एलिजिबल टू सिक्योर दी एडमिशन. उसमें आप कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं, चाहे आपने पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी कोई भी अपने डिसिप्लिन आपने पढ़ा हुआ हो. आप समझिए कि आपका जो मिनिमम है वो 3.3 आउट ऑफ 4.3 स्केल होना चाहिए, आप समझेंगे, या 3.0 आउट ऑफ 4 होना चाहिए. लाइक समझेंगे अगर आपके 70% मार्क्स हैं देन यू आर एलिजिबल टू गेट द एडमिशन. तो बैचलर्स में अगर आपने 3.0 या 70% मार्क्स ले लिए यू कैन सिक्योर द एडमिशन. इससे ब्लू वालों के एडमिशन मैंने नहीं देखा होते हैं तो बेटर है कि आप 70 से ब्लू वाले ना अप्लाई करें. बात करते हैं इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में. 6.5 विद नो लेस देन 6.0 इन ईच कंपोनेंट होना चाहिए. TOEFL 88 होना चाहिए विद नो सेक्शन ब्लो देन 20. PT 58 प्लस होना चाहिए. पोस्ट ग्रेजुएट की अगर बात करूँ तो IELTS overall 7 with no less than 6.5 in each component हो. TOEFL 94 with no section below 20 IBT के अंदर होना बहुत जरूरी है. और अगर इसकी ट्यूशन फीसेस की अगर बात करें तो ये ऑफर करती है आर्ट्स की डिग्री जिसकी फीस 19,216 कैनेडियन डॉलर्स है. बिजनेस भी सेम फीस में ऑफर कर रही है. इंजीनियरिंग की डिग्री भी सेम फीस में है. एजुकेशन है, हेल्थ साइंसेज है, लॉ है, तमाम बैचलर ऑफ लॉ या बैचलर ऑफ एजुकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोई भी आप मेजर ले सकते हैं. नर्सिंग है. ये तमाम की फीसें जो हैं वो 19,216 कैनेडियन डॉलर हैं. बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी साइकोलॉजी या साइंसेज की डिग्री भी तमाम फीस ये फीसेज भी तमाम के तमाम 19,216 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम में मिलते हैं. बात करें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएट जो आर्ट्स की डिग्री है वो 14,148 कैनेडियन डॉलर में ऑफर होती हैं. बिजनेस की डिग्री 15,792. एजुकेशन 14,168 कैनेडियन डॉलर. एनवायरमेंटल साइंसेज 18,88890. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 25,683 कैनेडियन ड�लर्स. डेटा साइंस 24,080. MBA 24,033 कैनेडियन डॉलर्स. नर्सिंग 16,860 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम में ऑफर होती है. एप्लीकेशन फी की बात करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए $100 एप्लीकेशन फी है इसकी, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए. अगर इसकी एप्लीकेशन डेडलाइंस की बात करें तो आप समझेंगे जैन के लिए अक्टूबर डेडलाइन है और मई के लिए आप फरवरी 1st डेडलाइन है और सितंबर के लिए मई 1st डेडलाइन है. तो साल में 3 के जैन मई और सितंबर अक्टूबर 1st फेब 1st और मई 1st इसकी डेडलाइन है. अच्छा लेट एप्लीकेशन के लिए वो भी कंसीडर कर लिया जाता है अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है यूनिवर्सिटी पर. अगर स्पेस होगा तो कंसीडर करें, अदरवाइज वो नहीं कंसीडर करें. लिविंग कॉस्ट की अगर बात करूं तो वो आप समझेंगे ये भी ब्रिटिश कोलंबिया में ऑन एवरेज ही समझेंगे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसी लिविंग ले रहा है. 12,000 से लेकर 14,500 कैनेडियन डॉलर पर एनम के इन बिटवीन पड़ता है. शेड में जाता तो और सस्ता करता है. बात करते हैं इसके स्कॉलरशिप के बारे में. They do offer Excellency Award. As you can see on my screen, आपके पास minimum 86% होना बहुत ज़रूरी है during your last degree, चाहे आपने high school किया हो या university award degree हो या मेरी website studyabroadupdates.com वहाँ चले जाएँ तो वहाँ भी आपको तमाम तरह डिटेल्स मिल जाएंगे जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं. Then you can eligible for this excellency scholarship. और इसका जो value और award है वो around 2000 कैनेडियन डॉलर है जो आपको मिल जाता है. और अप टू मिनिमम जो अगर होगा तो वो आप समझें कि आपको $1,000 आपको मिलता है अगर आप GPA मेंटेन करते हैं. अगर आपको 2000 का अवार्ड मिल गया तो पूरा एक साथ नहीं मिलता, 1000 पहले मिलेगा पहले सेमेस्टर में. CGPA 3 तक आपको मेंटेन हो 70% मेंटेन करना है, देन 1000 आपको जो है वो सेकेंड सेमेस्टर मिलेगा. तो 2000 एक साल के ऊपर है जिसको आप टू ब्रेकर्स में बाय टर्म ले सकते हैं. सेकंड स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप. ये भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है. एक्सेप्टेंस एनरोलमेंट के ऊपर है. TRU के अंदर 2 years इंजीनियरिंग प्रोग्राम ट्रांसफर प्रोग्राम के ऊपर होती है. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com वहाँ पर तमाम डिटेल्स अवेलेबल हैं. अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये 3000 कैनेडियन डॉलर्स की स्कॉलरशिप आपको अवार्ड करता है जो कि डिवाइड की जाती है इंटू 4 semesters. पहले साल में 1000 दे दी जाती है और सेकेंड ईयर में आपको 2000 कैनेडियन डॉलर्स की स्कॉलरशिप दे
दी जाती है। तो ये आप स्टूडेंट्स, इंटर इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ले सकते हैं। बाकी डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अपनी वेबसाइट, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से लेनी है, क्या सी जी पी ए क्राइटेरिया, कितना हाइल्स चाहिए, हर चीज़ मैंने अपनी वेबसाइट पर मैंशन कर दी है।